पर ही आज बल बन रहा। भगवती श्री जानकी जी, कल मैंने संकेत दिया था कि वो कह रही हैं कि सेवा का अवसर मुझे माता पिता ने दिया था कि सास ससुर गुरु सेवा करो, लेकिन आज मुझे बन जाना पड़ रहा है। चलिए एक परिस्थिति है, लेकिन संस्कारों की प्रधानता इसमें यहां दिखाई दे रही है कि श्री जानकी जी से स्वयं मां कौशल्या ने कहा, महाराज दशरथ ने भी कहा, स्वयं प्रभु राम ने भी कहा, सभी ने कहा कि सीता, कौशल्या कह रही है, महाराज दशरथ कह रहे हैं, सीते तुम अयोध्या में रहो, अयोध्या में रहो, यदि अयोध्या में तुम्हारा मन न लगे तो पिता के यहां भिजवा देंगे, वहां बनी रहना, लेकिन तुम बन मत जाओ। भगवान ने भी कहा, प्रभु राम राम हंस गवन तुम नहीं बन जो जस दई है मोहलो, तुम बन जाने के लायक नहीं हो, यदि तुम मेरे साथ बन जाओगी तो मैं अपयश का पात्र बन जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं ये बात, अपयश का पात्र बन जाऊंगा, इसलिए तुम अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है। श्री जानकी जी सुनती नहीं, ध्यान से सुनना माताओं, ये खास तौर से कथा तुम्हें सुननी है, क्योंकि तुम इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हो, इसलिए मातृशक्ति को विशेष रूप से मैं संकेत दे रहा हूं, और एक एक शब्द सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जानकी जी सुनती नहीं, 18 वर्ष की आयु है इस समय, कितने वर्ष की आयु है, 18 वर्ष की आयु है, लेकिन संस्कार इतने अच्छे मिले हुए हैं कि जिस समय बोलना शुरू किया तो सबको निरुत्तर कर दिया, और श्री जानकी जी की बात को सबने सुना और सुनकर के एहसास किया कि जानकी उचित बोल रही है। अगर शब्द कोई बेटी संभाल करके आपके परिवार में बोल रही हो तो ईमानदारी से बताओ वो संस्कार बोल रहे हैं कि बेटी बोल रही है, जल्दी बोलो, बेटी के संस्कार बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द संभाल करके बोल रही है, 18 वर्ष की आयु, संस्कार बोल रहा है। मैं एक बात कहता हूं, चाहे अयोध्या महान बनी हो और चाहे मिथिला महान बनी हो, चाहे भगवान राम महान बने हो, चाहे भगवती सीता महान बनी हो, चाहे हनुमान महान बने हो, ये संस्कारों के कारण सभी महान हुए हैं प्यारे, इसलिए संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। संस्कारों का खजाना तैयार करो, ये खजाना तुम्हें मरने के बाद भी सुख देगा प्यारे, जिंदा की बात तो छोड़ो, मरने के बाद तुम्हें सुख देगा, तुम चाहे जिस योनि में चले जाना, लेकिन तुम संस्कार दे करके अगर परिवार को संस्कार दे के जाओगे और अपने साथ संस्कार लेकर के जाओगे तो याद रखना, चाहे जिस योनि में जाना, लेकिन यह जो जन्म हो कर्म बसता राम की सब अनुरागी हो, यही भाव लेकर के जाओगे प्यारे, सुख मिलेगा चाहे जिस योनि में जाना। संस्कारों की प्रधानता होनी चाहिए। श्री जानकी जी ने विचार किया कि मेरे पतिदेव स्वयं कह रहे हैं कि सुनी अपजस दई है मोह लोग, मैं अपयश का पात्र बन जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ जाओगे। जानकी जी ने धीरे से कहा,
बड़ी अच्छी बात। धीरे से कहा अपने स्वामी से, क्या आप यश की पात्रा मुझे बनाना चाहते हैं? आप अपयश की पात्रा क्या मुझे बनाना चाहते हैं? भगवान राम ने कहा, कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा, आप किस लिए बन जा रहे हैं पहले ये बताएं। कहा, राक्षसों का वध करने के लिए। मैं समझ रही हूं कि आप राक्षसों का वध करने के लिए बन जा रहे हैं, लेकिन आपने नारद जी को क्या वचन दिया था पहले याद रखो। आपने नारद जी को क्या वचन दिया था पहले तो आप ये याद रखो, क्या वचन दिया था याद करो। तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया, नारद वचन सत सब करियो, आर्गन मत बजाओ, बंद करो। नारद वचन सत सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद वचन सत्य संकल्प, नारद ने जो कहा है वो मैं सत्य करूंगा। बोलो भाई, नारी विरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने क्या कहा था, देखो समझ में आया करो तो ऐसे कर दिया करो, नहीं आया करे तो ऐसे कर दिया करो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत में तुम्हारा क्या बिगाड़ने में, बोलो भाई। इस स्वतंत्र भारत में कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन बात सही है, नारी विरह तुम हो। कपियाकृति तुम कीन हमारी, ओ करहे कीस सहाय तुम्हारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह। तो पहली बात ये है कि आपको साधु संतों की बात का ध्यान है कि नहीं? भगवान बोले हाँ ध्यान है, ध्यान। तो फिर ध्यान है तो समझ लो क्यों भाई, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी तो नारद जैसे संत अगर कह रहे हैं और आपने वचन भी दिया सत्य सब करी हो, तो सत्य सब करी हो। आप सत्य तभी कर पाओगे जब मैं आपके साथ चलूंगी, अयोध्या में रहूंगी तो सत्य नहीं होगा। रावण यहाँ आएगा हरण करने के लिए अयोध्या में, बोलो भाई। सीता जी का हरण करने के लिए रावण अयोध्या में आएगा क्या, आ सकता है अयोध्या में? आप ही कह रहे हैं आ सकता है, नहीं आ सकता है। सत्य तब होगा जब मैं आपके साथ चलूंगी। धीरे से कह रही है यहाँ, क्योंकि रहस्य को उद्घाटित करना ये उचित नहीं था उस समय। अगर महाराज जी दशरथ सुन लेते, कौशल्या माँ सुन लेती तो कह देती, ओ सोनियो जो षड्यंत्र है इन दोनों का, इसलिए ये दोनों जा रहे हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्यों भाई, होती बात गोपनीयता भंग हो जाती है कभी भी गोपनीयता। मैं एक बात कहता हूँ ध्यान से सुनो, पति पत्नी दोनों मर्यादित हैं, और यदि गोपनीयता हो तो उसको भंग न करें, प्रकट न करें, तो देखो फिर गजब का रामराज आएगा। बोलो आएगा रामराज कि नहीं आएगा? हिमा घर में क्या आएगा, रामराज आएगा। अच्छा, रामराज को अगर स्थापित करना है घर घर में तो सीताराम बनना पड़ेगा कि नहीं? पति पत्नी दोनों को सीताराम जी के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? अगर रामराज स्थापित करना है तो गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। धीरे से श्री किशोरी जी ने कहा कि एक तो नारद जी का वचन सत्य करना है तो मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, आपके साथ चलना उचित है। दूसरी बात क्या कि आप कहते सुन अपजस दई है मुह लोगो, इस चौपाई पर भी बोल रहे थे, यूट्यूब में मैं भी सुन रहा था, वहां बैठा बैठा मैं कोई सो थोड़ी रहा था, क्यों भाई चर्चा हो रही थी, हो रही थी। हाँ तो मैं भी सुनता हूँ भाई, जब ये सुविधा दी गई है, व्यवस्था दी गई है तो सब पूरा संसार सुन रहा है, तो क्या मैं संसार से अलग हूँ? मैं भी तो संसार में ही हूँ, इसलिए मैं भी धर्मेंद्र कहाँ गया, धर्मेंद्र इसने हमको व्यवस्था दी, वहाँ वहाँ मोबाइल में लगा दिया। मैंने कहा सुनवाओ जरा क्या हो रहा है इस समय मंच पर, आप ही बोल रहे थे सुविधा जी। सुन अपजस दई है मोह लोगो, आप
पियस का पात्र मैं बनूंगा जानकी, जानकी जी ने कहा सुनिए स्वामी मेरी प्रार्थना है प्रभु, अगर आप मुझे छोड़ के अयोध्या चले जाएंगे, मुझे अयोध्या में छोड़ के आप वन चले जाएंगे तो आप वन में क्या क्या करेंगे ये बताइए। भगवान ने कहा झरनों का पानी पीऊंगा। अच्छा बोलो वन में कोई रहेगा तो क्या करेगा? झरने का पानी पिएगा, नदियों का पानी पीऊंगा और पहाड़ों पे चढ़ूंगा और कहा कंटका कीन मार्ग पर चलूंगा। एक एक बात समझते जाना, कंटका कीन मार्ग पर चलूंगा और जब नींद आएगी तो पत्तों की सैया बना करके सो जाऊंगा और जब भूख लगेगी तो कंद मूल फल खा लूंगा। यही करूंगा। सीता जी ने कहा मैं अयोध्या में रह के क्या करूंगी? दल्लभ के गद्दे पे सोऊंगी और रबड़ी रसगुल्ला खाऊंगी। क्यों भाई? और सोने के गिलास में पानी पीऊंगी और चांदी सोने की थाली में भोजन करूंगी। अयोध्या में सब उपलब्ध है कि नहीं? बोलो भाई। वहां पत्तों की सैया पे कोई सोने देता राजमहल में? जल्दी बोलो, सोने देता? कौशल्या माँ सोने देती क्या? कितने प्रयास सीता जी करती हूँ, क्या कौशल्या माँ पत्तों की सैया पे महल के अंदर सोने देती? भगवान राम अगर अंजलि से जल पी रहे हैं तो क्या कौशल्या माँ जानकी जी को राजमहलों के अंदर अंजलि से जल पीने देती? नहीं पीने देती। सोने चांदी के गिलास आते, उन्हीं से पानी पीना पड़ता। जानकी जी ने कहा आप कंदमूल फल खाएंगे, झरनों का पानी पिएंगे, पत्तों की सैया पे सोएंगे और मैं महलों में सुविधाओं में रहूंगी। हे स्वामी, संसार में मुझे भी अभ्यास मिल जाएगा, इसलिए मैं अभ्यास नहीं लेना चाहता हूँ। मैं तो आपके साथ रहूंगी। पति के सुख में सुखी रहना, पति के दुख में दुखी रहना, यही नारी का परम धर्म है। बोलो है कि नहीं? पतिव्रता का यही परम धर्म है कि पति के सुख में सुखी रहना और पति के दुख में दुखी रहना। अपना पतिव्रता का कोई सुख दुख नहीं होता है, पति का सुखी उसका सुख होता है और पति का दुखी उसका दुख होता है। इसलिए जानकी जी ने कहा मुझे अपयश की पात्र आप मत बनाओ स्वामी, मेरी प्रार्थना है जहाँ आप होंगे वहीं मैं हूँ। आप बस इतना अंतर रहेगा, क्या तुम क्या करोगी मेरे साथ? जानकी जी ने कहा छिन छिन प्रभु पद कमल तिलोकी, और रही हो मुदित दिवस जिनको की, बार बार प्रभु मूरत जोही, इसलिए स्वामी आपका दर्शन करूंगी और आपके चरणों का ध्यान करूंगी और आपके द्वारा उच्छिष्ट जो पाने के लिए प्रसाद मिल जाएगा उसको मैं ग्रहण करूंगी और प्रतिक्षण प्रतिपल आपके चरणों की सेवा करूंगी, आपके सुख में सुखी रहूंगी, आपके दुख में दुखी रहूंगी। बोलो ये संस्कार बोल रहे हैं।